हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को। तो गाइज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा चल रहा था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट, इस पार्ट नंबर 2 के अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जिसका एंगल दे रखा है साइन माइनस में कितना 600 डिग्री, देन वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा आपको बतानी है। देखो, आप डायरेक्ट तो आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी रेंज के बीच में लाई नहीं करता। साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाए बाय टू से प्लस पाए बाय टू क्लोज इंटरवल। तो साइन इनवर्स से साइन तभी कैंसिल हो सकता है जो अंदर का जो एंगल है वो इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं साइन इनवर्स, और ये क्या दे रखा है अपने को साइन। देखो, साइन का एंगल माइनस बाहर लिख सकता हूं, लगा सकते हैं, ये बन गया 600। 600 को मैं लिख सकता हूं 360 प्लस में 240। ठीक है, अब देखो साइन 360 मतलब 2 पाई प्लस में जो भी थीटा हो, तो साइन 2 पाई प्लस में थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स माइनस में साइन कितना 240। अब इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये आ गया माइनस में साइन, 240 को लिख सकते हैं 180 प्लस में 60, है ना। और हमें पता है साइन 180 मतलब पाई प्लस में थीटा होता है, मेरे पास माइनस का साइन थीटा है ना। तो अब क्या करेंगे, साइन पाई प्लस में थीटा, ये आएगा माइनस का साइन थीटा, और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का आएगा और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो साइन इनवर्स से साइन को अब कैंसिल कर सकते हैं, 60 डिग्री आया, क्योंकि 60 डिग्री इस इंटरवल को बिलोंग करता है, पाए बाय थ्री इसको बिलोंग करता है। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, पाए बाय थ्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड गाइस, ये कहता है कि साइन इनवर्स दिया हुआ है, जिसका एंगल आपको टेंजेंट इनवर्स ये दिया हुआ है और कोस इनवर्स ये दिया हुआ है। देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टू टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस में x2। लेकिन यहां तो रेसिप्रोकल है, कोई दिक्कत नहीं है, रेसिप्रोकल है। तो इस टेंजेंट इनवर्स को अगर मैं कोट इनवर्स में लिखूं, तो कोट इनवर्स में प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट को अगर कोट इनवर्स में चेंज करेंगे तो एंगल का उल्टा हो जाता है, मतलब 2x/1 माइनस में x2 आता है। हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x जो होता है वो पाए बाय 2 के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं कोट इनवर्स x देखूं तो वो आता है पाए बाय 2 माइनस में टेंजेंट इनवर्स x। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोट इनवर्स एक्स को अगर टेंजेंट इनवर्स में चेंज करना है तो करना पड़ेगा पाए बाय 2 माइनस में टेंजेंट इनवर्स एक्स, है ना। तो यही प्रॉपर्टी, मतलब इस कोट इनवर्स एक्स को, तो ये देखो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन जाएगा मेरे पास साइन, इस टेंजेंट इनवर्स को मैं लिखूंगा क्या, कोट की टर्म में ये लिखूंगा, लिख सकता हूं। और इस कोट को अगर मेरे को टेंजेंट की टर्म में लिखना है तो उसको मैं इस टाइप से कन्वर्ट करूंगा, तो इसको लिखूंगा मैं पाई बाय 2 माइनस में, ये हो जाएगा क्या, टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस में x2। क्यों? क्योंकि पहले इसको मैंने कोट में लिखा तो ये रिजल्ट आया, कोट को अगेन मैंने टेंजेंट में लिखा तो ये रिजल्ट आएगा पाई बाय 2 माइनस में x, x की जगह यहां पे ये टर्म है, और प्लस में मेरे पास ये है कोस इनवर्स 1 माइनस में x2/1 प्लस में x2। अब देखो, ये बना साइन, ये बना पाए बाय 2 माइनस में, ये फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट इनवर्स x का, प्लस में ये भी फॉर्मूला किसका होता है 2 टेंजेंट इनवर्स x का, अगर आपको याद है फॉर्मूला मैंने बताया था। ये इससे कैंसिल होके क्या बचा, साइन पाए बाय 2, और साइन पाए बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1। तो क्या आया ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है दो प्रॉपर्टी, ठीक है, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी यूज हुई है कि अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स है उसको कोट में चेंज करना है तो वो कोट इनवर्स 1/x हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी यूज हुई कि को टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स जो है वो पाए बाय 2 के अकॉर्डिंग होता है।
यहाँ एक्स की जगह अपने को ये दे रखा है, तो बस ये दो प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं कि इसके टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे। बहुत आसान है ये भी। यहाँ देखो, ये अपने को दे रखा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाके माइनस का कर देता हूं, तो ये आएगा पाई बाय 3 माइनस में क्या साइन इनवर्स 2x। क्या पाई बाय 3 को लिख सकता हूं साइन इनवर्स रूट 3/2 लिख सकता हूं, क्योंकि रूट 3/2 किस पे होता है, वही पाई बाय 3 पे, तो इसको मैं पाई बाय 3 को साइन इनवर्स रूट 3/2 लिख सकता हूं, ये हो गया साइन इनवर्स 2x। अब देखो यहां हम यूज करेंगे फॉर्मूला किसका, साइन इनवर्स x माइनस में साइन इनवर्स वाई का, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स इंटू वन, वन माइनस में वाई स्क्वायर, फिर माइनस में वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, तो यह आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस में एक्स की जगह कितना है रूट 3/2 माइनस में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर मतलब 4x, ठीक है। और फिर माइनस में y, y कितना है 2x इनटू में अंडर रूट 1 माइनस में इसका स्क्वायर करोगे 3/4, ये वैल्यू आई साइन इनवर्स x की। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी रूट 3/2 इनटू में अंडर रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में यहां आ जाएगा 2x, और एलसीएम लोगे तो ये 4 - 3 मतलब 1/2, तो ये आएगा डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसल, ये माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का, ये आएगा 2x इज इक्वल टू रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस में 4x का स्क्वायर। अब ये दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 3/4 और इसका रूट कैंसल माइनस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो एक वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कितना आसान क्वेश्चन है यार। एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये देखो यहां दे रखा है अपने को क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स 1/2 दे रखा है, देन इज इक्वल टू क्या दे रखा है पाई बाय 2 दे रखा है, तो साइन इनवर्स मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है, तो यहां अपने को दे रखा है कोट इनवर्स 1/2, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो यहां से कोट थीटा की वैल्यू आई 1/2, कितनी आई कोट थीटा की वैल्यू 1/2। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालू 1/2, आपको चेक कर ले, चलो 1/2 आपको नहीं पता किस पे होता है, ठीक है, नहीं पता सब जी 1/2 हमें नहीं पता 1/2 कौन से एंगल पे होता है, क्योंकि 1/2 कोट की वैल्यू तो किसी एंगल पे होती नहीं, तो हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोट थीटा की वैल्यू 1/2 आई तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर 2 आई तो सीकेंट थीटा होता है अंडर रूट 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर थीटा मतलब 4, मतलब इसकी वैल्यू आई सर जी रूट 5, और सीकेंट थीटा की वैल्यू अगर पता है तो कोस थीटा की वैल्यू आई 1/√5, तो यहां से थीटा की वैल्यू मतलब कोस इनवर्स 1/√5। अब बच्चे देखो कोट इनवर्स 1/2 भी थीटा के इक्वल, और थीटा को मैंने कोस इनवर्स में चेंज कर लिया, तो कोट इनवर्स 1/2 को मैं कोस इनवर्स 1/√5 लिख सकता हूँ, तो ये बन गया मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस में ये बन गया कोस इनवर्स 1/√5 और इज इक्वल टू कितना पाई बाय 2। और आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स प्लस में कोस इनवर्स पाई बाय 2 कब होता है, जब दोनों एंगल क्या हो सेम, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/√5, एक्स की वैल्यू कितनी आई 1/√5। क्लियर? चेक कर लेता हूं मेरे को एक मिनट, यही वैल्यू है क्या, ठीक है, क्लियर, क्या बोलते हो सभी बच्चों का क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई, है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ सही है बिल्कुल वैल्यू,
आंसर कंफर्म करना पड़ता है यार, बाद में कह दो कि ये तो आंसर ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स कोस और साइन इनवर्स साइन। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोस इनवर्स से कोस कैंसिल कर दो, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दो, सर डायरेक्ट आप लगा के आगे 10π/3, ऑप्शन भी मिल गया डी लगा के आगे। नहीं भाई गलत है, मैंने बोला था कि कोस इनवर्स से कोस तभी कैंसिल होता है जब वो उसकी रेंज को बिलोंग करे। देखो कोस इनवर्स कोस फंक्शन की जो होती है रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 से π, लेकिन 5π/3 इसको बिलोंग नहीं करता है, तो हम क्या कर लेते हैं इसको लिख लेते हैं कोस इनवर्स, ये कोस 5π/3 को लिख लेता हूं पाई 2π-π/3 लिख सकते हैं, और सिमिलरली साइन इनवर्स साइन 5π/3 को लिख सकते हैं 2π-π/3। अब आप सभी को पता है कि कोस 2π-थीटा वो हमारे पास होता है कोस थीटा प्लस में साइन इनवर्स, आप सभी को पता है कि साइन 2π-थीटा वो होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां कोस इनवर्स से अब मैं कैंसिल कर सकता हूं, ये आएगा π/3 क्योंकि π/3 इसकी रेंज को बिलोंग करता है, प्लस में ये आया साइन इनवर्स, माइनस को अंदर लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन माइनस में π/3। अब मैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि वो इसकी रेंज को बिलोंग करता है, ये आया π/3 माइनस में π/3, तो आंसर आया 0। तो क्या आया? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो ये क्लियर हुआ आप सभी का? शाबाश, बताओ एकदम क्लियर है, बढ़िया तरीके से क्लियर है, डन है गाइस? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके अगर मैं 2π/3 लिखूं, लेकिन 2π/3 इसकी रेंज को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे, जो इसकी रेंज को बिलोंग करता है उसको लेके आते हैं मैदान के अंदर, उसको क्या के लिए मैदान में ले आते हैं। तो ये है साइन इनवर्स, यहाँ है साइन 2π/3 को लिख सकता हूँ पाई प्लस में π/3, सॉरी पाई माइनस में π/3। अब ये बना साइन इनवर्स साइन पाई माइनस में थीटा होता है साइन थीटा, अब ये कैंसिल होकर आंसर आया π/3। तो ये इसकी क्या आएगी? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या इनमें से कोई ऑप्शन है जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मतलब π/3 नहीं है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो गया, क्लियर? क्यों? क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अपने को लिखनी थी, तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आएगी π/3, ठीक है, क्योंकि वो इसकी रेंज को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है, इफ दिस एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। यहां देखो कोट इनवर्स दे रखा है, कोट इनवर्स है, एंगल क्या है? साइन। तो साइन का एंगल अगर कोट इनवर्स है तो साइन का एंगल साइन इनवर्स होता तब तो कैंसिल कर देता, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, इसको मैं कोट इनवर्स 1/2 को मान लेता हूं थीटा, तो यहां से कोट थीटा की वैल्यू आई 1/2। पहले हम क्वेश्चन करके आए हैं, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2, और सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई? √5। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 1/√5, और कोस थीटा से मैं साइन थीटा निकाल सकता हूं, वो होगा 1 माइनस में कोस का स्क्वायर मतलब 1/5। तो इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4/5 का रूट, और ये आ गया 2/√5, मतलब साइन थीटा की वैल्यू आई 2/√5। तो ये बन गया मेरे पास टेंजेंट, और यहाँ आ गया कोस इनवर्स एक्स, और ये आ गया मेरे पास साइन, और यहां मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स 2/√5। ये इससे कैंसिल होके क्या आया? 2/√5। तो यहां से टेंजेंट जिसका यहां आ गया कोस इनवर्स एक्स एंगल, तो वैल्यू आई 2/√5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं क्या कर लेता हूं, कोस इनवर्स एक्स को, कोस इनवर्स एक्स को कुछ मान लो आप 5 मान लो, तो यहां से एक्स की वैल्यू आई कोस 5, मतलब जो कोस फाई की वैल्यू होगी ना वही एक्स की वैल्यू होगी,
तो कोस इनवर्स एक्स को मैंने फाइव माना, तो ये आ गया मेरे पास टेंजेंट फाइव की वैल्यू कितना, 2/√5। टेंजेंट फाइव पता है मुझे चाहिए कोस फाइव, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, कोस फाइव। टेंजेंट फाइव से मैं सीकेंट फाइव निकाल सकता हूँ, वो होता है √1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3/√5। और कोस फाइव सीकेंट फाइव पता है, तो यहां से कोस फाइव की वैल्यू कितना, √5/3। तो ये आया ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। कितना अजीब सा क्वेश्चन है ना, लेकिन है आसान यार, दिमाग का क्वेश्चन है। पहले मैंने यहां से साइन थीटा, मतलब इसको थीटा माना इस टर्म को, तो ये साइन थीटा बन गया। ठीक है, इसको अगर मैं थीटा मानूंगा तो ये साइन थीटा बन गया, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/√5। तो ये देखो 2/, इसको फिर मैंने फाइव मान लिया, तो फाइव माना तो एक्स की वैल्यू कोस फाइव के इक्वल आए। ठीक है, अब मुझे कोस फाइव चाहिए, तो ये इसको जब फाइव माना तो ये टेंजेंट फाइव हो गया। टेंजेंट फाइव पता है, तो सीकेंट फाइव निकाल लिया, और सीकेंट का उल्टा कोस सीकेंट होता है, सॉरी कोस होता है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई अगर 2π/3 है, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई क्या होगा। देखो, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2। तो यहाँ से अगर मैं कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूँ, तो वो होता है π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स। और सिमिलरली अगर मैं कोस इनवर्स वाई की वैल्यू निकालूंगा, तो वो होगा π/2 माइनस में साइन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे जो हमारा कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई है, इक्वल किसके आएगा, कोस इनवर्स एक्स को मैं लिखूंगा ये, मतलब π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में π/2 माइनस में साइन इनवर्स वाई। π/2 प्लस में π/2 हो गया पाई, और माइनस में साइन इनवर्स एक्स प्लस, माइनस कॉमन लोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू ये, तो माइनस में 2π/2। एलसीएम लोगे तो ये आ गया π/3। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि सीकेंट इनवर्स जिसका एंगल है सीकेंट माइनस का 30। देखो, हमें पता है कि सीकेंट माइनस में थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा ही होता है ना, सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा ही होता है। तो यह आएगा सीकेंट इनवर्स, यहाँ है सीकेंट माइनस 30 को मैं लिख सकता हूँ, सीकेंट 30 ही लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस थीटा मतलब सीकेंट। अब ये इससे कैंसिल होकर कितना आया, 30 डिग्री। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। तो आप सभी को पता है कि साइन इनवर्स साइन 5π/3 है, आप इसको लिख सकते हो 2π माइनस में π/3। अब साइन इनवर्स साइन 2π माइनस में थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है तो माइनस में ही है। अब आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स, ये आ जाएगा साइन, एंगल को माइनस में लिख सकते हो माइनस का। अब ये इससे कैंसिल होके माइनस का π/3 आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस का √3/2। तो यह साइन इनवर्स मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस में। अब √3/2 होता है अपने पास 60 पे, तो माइनस में साइन π/6, और इसकी रेंज होती है अपने पास क्लोज इंटरवल −π/2 से +π/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स साइन माइनस में π/3, 60 पे होती है तो π/3। ठीक है, माइनस में। अब देखो, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके क्या आया, माइनस का π/3। क्यों, क्योंकि वो इसकी रेंज को बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहते हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूँ, तो π/2 माइनस में कोट इनवर्स एक्स आएगा, जो कि यहाँ पुट कर देते हैं, तो यह आएगा π/2 माइनस में कोट इनवर्स एक्स, और प्लस में है मेरे पास 2 cot इनवर्स x, और इज इक्वल टू आया 2π/3। अब देखो, ये 2 cot इनवर्स x है, ये माइनस में कोट इनवर्स एक्स है, तो यहाँ बचेगा कोट इनवर्स एक्स बचेगा, और ये π/2 उधर जाके माइनस में, तो 2π/3 माइनस में π/2। एलसीएम लिया 6 आया, ये आएगा मेरे पास 4π माइनस में 3π, मतलब ये आया π/6। तो ये आया कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6, और π/6 मतलब 30 डिग्री,
और कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, ये कहता है कि इफ कोस जिसका एंगल है 2 sin inverse एक्स की वैल्यू अगर 1/9 है, देन एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो हम क्या कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा साइन थीटा। अब देखो ये बन जाएगा मेरे पास कोस 2 sin inverse एक्स को मैंने थीटा पुट किया तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, 1/9। और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन की टर्म में देखो, 1 माइनस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin² थीटा। तो यहां से अगर मैं कोस 2 थीटा का फॉर्मूला निकालूंगा तो आएगा 1 माइनस में 2 sin² थीटा। तो यह आ जाएगा 1 माइनस में 2 sin² थीटा इज इक्वल टू कितना, 1/9। तो 1 माइनस में 2 sin थीटा की वैल्यू है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से 2x² की वैल्यू आएगी, ये उधर जाके प्लस का, तो 1 माइनस में 1/9। तो एलसीएम लेने पर आया 8/9, और ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4/9, तो x² की वैल्यू आई 4/9, तो x की वैल्यू आई 2/3। देखो x 0 से बड़ा है इसलिए माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, क्योंकि प्लस माइनस 2/3 आएगी तो माइनस वाला तो लेना ही नहीं है आपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3। यहाँ है सीकेंट इनवर्स 2/√3, ठीक है, और 2/√3 किस पे वैल्यू होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीकेंट। देखो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका मतलब सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। तो 2/√3 की जगह सीकेंट 30 लिख सकते हैं, तो सीकेंट 30, सीकेंट इनवर्स से सीकेंट कैंसिल, 30 डिग्री, तो मतलब π/6, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइन इनवर्स 1/3 प्लस में कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो गाइज वही प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स π/2 कब होता है, जब दोनों एंगल इक्वल हो। तो इसका मतलब 1/3 और यहाँ एक्स की जगह भी 1/3 होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स π/3 होता है, मतलब π/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी आ गया कि एक्स की वैल्यू 1/3 होगी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों एंगल इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल सोल का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है। ये माइनस का कोस इनवर्स एक्स है, इसको इधर ले आओ, और यहाँ पे 4 है ना, 4 को मैं लिख लेता हूँ 3 sin inverse x, और प्लस में साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस में हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और इज इक्वल टू में आया पाई, ठीक है, क्योंकि 4 है इसको मैंने 3 प्लस में 1 लिख लिया। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स होता है π/2, 3 sin inverse x, 3 sin inverse x इज इक्वल टू, ये बना π/2, उधर जाके माइनस का, तो माइनस में π/2, ये आया π/2, तो यह आया 3 sin inverse x की वैल्यू। तो यहाँ से साइन इनवर्स x की वैल्यू आएगी π/6, और π/6 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा sin π/6, और sin 30 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इवेलुएट, इसको इवेलुएट करना है गाइस। तो ये है मेरे पास साइन π/3 माइनस में, साइन इनवर्स का एंगल अगर नेगेटिव हो तो माइनस को बाहर लिखता हूं, तो ये प्लस का हो जाएगा, यहां आ जाएगा sin 1/2, ये हो जाएगा साइन, और ये आ जाएगा π/3 प्लस में। साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, आप सभी को पता है साइन 1/2 किस पे होता है भाई, साइन 1/2 किस पे होता है, 30 पे, मतलब π/6। साइन एलसीएम लोगे तो आएगा ये मेरे पास 6, और ये आ गया मेरे पास 2π प्लस में π, मतलब ये आ गया sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2a/1 प्लस में a². देखो 2 tan inverse x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था साइन की टर्म में, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस में x² होता है। यहाँ x की जगह क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो ये फॉर्मूला बना किसका,
टू टेंजेंट इनवर्स ए का, फिर माइनस में टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कोस की टर्म में होता है, कोस इनवर्स वन माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स की जगह क्या लिख रखा है बी, इसका मतलब ये फॉर्मूला बना टू टेंजेंट इनवर्स बी का इज इक्वल टू, टू टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म में ये होता है, तो ये फॉर्मूला बना टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का, टू कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो टेंजेंट इनवर्स ए माइनस में टेंजेंट इनवर्स बी इक्वल आया टेंजेंट इनवर्स एक्स के। अब टेंजेंट इनवर्स ए माइनस में टेंजेंट इनवर्स बी, तो वही टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस में टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो यह आएगा टेंजेंट इनवर्स ए माइनस में बी डिवाइड बाय वन प्लस में ए बी, ये वैल्यू आई टेंजेंट इनवर्स एक्स की, तो एंगल को कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। चलो तो ये था हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस गाइस, ठीक है, कंप्लीट हमने कर लिया, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओके। एंड आप में से अगर डिफेंस वाले एप्लीकेशन जिसने डाउनलोड नहीं कर किया डाउनलोड कर लेना, जिसने कर किया दिन से बहुत बहुत शुक्रिया, एंड प्लीज़ प्ले स्टोर में जाके अपने एप्लीकेशन को रिव्यू जरूर देना, राइट अवर अपना रिव्यू जरूर लिखना और रेटिंग भी जरूर देना, और कोई प्रॉब्लम आए कुछ भी चीज़ अगर पूछनी हो तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ईमेल अकाउंट के थ्रू भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओके। तो ये हो गया हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट, इसकी प्रैक्टिस करो गाइस, आरएस अग्रवाल की बुक में से प्रैक्टिस करो, पाथफाइंडर की बुक में से करो, जो मंजुल त्यागी की बुक आती है उसको करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट भी करवा दिया और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में करवा दिए ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम आप सभी बच्चों को।